Hey, good morning, my dear students. Welcome to my channel, Learn From Home. Myself, Mr. Vaibhav Sir. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. नाउ अभी हम वीडियो शुरू करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. Today I am going to explain Shiva Chhatrapati Standard 4, that is Evolution Environmental Studies Part 2, and here is the lesson number 4, Shivaji's Childhood. This is our second part of this lesson. पहले lesson में हमने explanation देखा है, पहले part में हमने explanation देखा है lesson का, and this is the second part. In this part we are going to learn more about exercise. We are going to solve exercise. यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. नीचे कुछ पर्याय दिए हैं, उन पर्याय में से करेक्ट ऑप्शन जो है, पर्याय जो है वह चुन के आपको निम्न लिखित जगह जो है, निम्न जगह जो है वह भरनी है. ओके, सो ए, शिवाजी वॉज बॉर्न ऑन द 4th, एंड ऑप्शन आर पुरंदर, शिवनेरी, पन्नाला. सो आवर आंसर इज शिवनेरी. शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ है? शिवनेरी किले पे. नाउ बी नंबर, आदिल शाह असाइन द टास्क टू कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन टू शाहजी राजे, एंड ऑप्शन आर कर्नाटक, खानदेश, कोकण, एंड आवर राइट ऑप्शन इज कर्नाटक. ओके, सो आदिल शाह ने शाहजी राजे को महत्वपूर्ण टास्क दिया. कौन सा टास्क दिया था? कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन कर्नाटक, जीतने का, जो कर्नाटक के प्रदेश है वह जीतने का टास्क दिया था शाहजी राजे को आदिल शाह ने. सो आवर आंसर इज कर्नाटक. नंबर 2, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं. ओके, सो ए, वॉट डिड शिवाजी फील ड्यू टू जीजाबाई'स टीचिंग. शिवाजी कैसा महसूस करते थे जब जीजाबाई उन्हें पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी. सो आवर आंसर इज शिवाजी फेल डैट ऑन ग्रोइंग अप. जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं क्या करूँगा? ही शुड ऑल्सो डिस्प्ले वॉलर लाइक दैम. सो वह सोचते थे कि मैं जब बड़ा होऊंगा तब मैं भी जो महान पुरुष है, ग्रेट मैंस है, उनके जैसे अपनी वीरता दिखाऊंगा. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट गेम्स डिड शिवाजी एंड द चिल्ड्रन ऑफ द मावलाज प्ले. मावलाज के बच्चे और शिवाजी महाराज जो थे वह कौन से खेल खेलते थे? सो आवर आंसर इज शिवाजी एंड द चिल्ड्रन ऑफ मावलाज प्लेड हाइड एंड सीक. लुका छिपी खेला करते थे वह, और प्ले विथ बॉल और टॉप, या फिर वह बॉल और टॉप गेम खेल खेलते थे. सी क्वेश्चन, व्हाई डिड शाहजी राजे लीव निजामशाही. शाहजी राजे ने निजामशाही क्यों छोड़ी? सो आवर आंसर इज लखोजीराव जाधव ओपनली किल्ड इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह हिमसेल्फ. निजाम शाह ने किसी के बहकावे में आके लखोजीराव जाधव, जो जीजाबाई के पापा थे, उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी खुले कोर्ट में. शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस, और शाहजी राजे यह बर्दाश्त नहीं कर सके, एंड ही लेफ्ट द निजामशाही, और उन्होंने निजामशाही को क्या कर दिया? छोड़ दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, हु डिस्पैच द बिग आर्मी टू कॉन्कर द डेक्कन. डेक्कन जो प्रदेश है महाराष्ट्र का, उसे जीतने के लिए किसने बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी सेना भेजी थी? सो आवर आंसर इज शाहजहान फ्रॉम द नॉर्थ हैड सेंड अ बिग आर्मी टू कॉन्कर द डेक्कन. शाहजहान जो था मुगल एम्परर, उसने डक्कन को जीतने के लिए, डेक्कन जीतने के लिए बड़ी सेना भेजी थी. क्वेश्चन नंबर ई, हु वॉज इंचार्ज ऑफ शिवनेरी फोर्ट. शिवनेरी फोर्ट का इंचार्ज कौन था, प्रभारी कौन था? सो आवर आंसर इज विजय राज, अ रिलेटिव ऑफ भोसलेज, वॉज द चार्ज ऑफ इंचार्ज ऑफ शिवनेरी.
भोसले का जो रिलेटिव था, रिश्तेदार था विजय राज, वह इस शिवनेरी किले का कौन था? इंचार्ज था, प्रभारी था। क्वेश्चन नंबर एफ, वेन वॉज शिवाजी बॉर्न? शिवाजी का जन्म कब हुआ? सो आंसर इज शिवाजी वॉज बॉर्न इन द शाक्य ईरा ऑन 19 फेब्रुवरी 1630। 1630 में 19 फरवरी को शिवाजी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर जी, वाई वॉज द चाइल्ड नेम्ड शिवाजी? बच्चे का नाम शिवाजी क्यों रखा गया? सो आंसर इज द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन द फोर्ट ऑफ शिवनेरी एज नेम शिवाजी। उस बच्चे का जन्म जो है शिवनेरी किले पे हुआ था, इसलिए उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? शिवाजी रखा गया। क्वेश्चन नंबर एच, वेयर वॉज शिवनेरी फोर्ट सिचुएटेड? शिवनेरी किला कहाँ पे था? सो शिवनेरी फोर्ट वॉज सिचुएटेड नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर जो प्लेस है, जुन्नर जो गांव है, वहाँ पे उसके पास सिचुएटेड था, मीन्स वहाँ पे था। नाउ आई, हु वॉज द मदर एंड फादर ऑफ शिवाजी? शिवाजी महाराज जो थे, उनके मम्मी पापा का नाम क्या था? उनके मम्मी पापा कौन थे? सो आंसर इज जीजाबाई वॉज अ मदर। शिवाजी की मम्मी का नाम क्या था? जीजाबाई। एंड शाहजी राजे वॉज द फादर ऑफ शिवाजी, और शाहजी राजे उनके पापा थे। क्वेश्चन नंबर जे, वॉट डिड शिवाजी एट वेन ही विजिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली? शिवाजी क्या खाते थे जब वह अपने फ्रेंड जो थे, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, गरीब घरों से बिलोंग करते थे, उनके घर जब जाते थे तो वह क्या खाते थे? सो आवर आंसर इज शिवाजी एट द सिंपल मील ऑफ ओनियन एंड भाकरी विद द ग्रेट रेली। शिवाजी जो थे, उनका जो सिंपल मील था, मीन्स सादा भोजन जो रहता है, वह खाते थे। क्या था सादा भोजन? ओनियन एंड भाकरी, प्याज और भाकर, विद रेलिश, मीन्स बड़े चाव के साथ खाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर के, विच ट्रीटी साइन बाय आदिल शाह विथ मुगल एम्परर शाहजहान? मुगल एम्परर शाहजहान और आदिल शाह के बीच में कौन सी संधि हुई थी? आदिल शाह ने किस संधि पे, ट्रीटी पे साइन किए थे? सो आवर आंसर इज आदिल शाह साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द मुगल एम्परर शाहजहान। आदिल शाह ने मैत्री की संधि जो है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जो मुगल एम्परर शाहजहान के साथ हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज शाहजी राजे मेड हिज हेडक्वार्टर इन कर्नाटक? शाहजी राजे जब कर्नाटक में गए तो उन्होंने कर्नाटक में से कौन सी सिटी को अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया? सो आंसर इज शाहजी राजे मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हिज हेडक्वार्टर। शाहजी राजे ने बेंगलोर शहर को अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द आंसर इन टू और थ्री सेंटेंसेस। अभी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें दो या तीन वाक्य में लिखने हैं। नाउ ए, हुज स्टोरीज डिड जीजाबाई टेल शिवाजी? शिवाजी को जीजाबाई कौन सी स्टोरियाँ सुनाती थी, किसकी स्टोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी? सो आवर आंसर इज जीजाबाई टेल्स शिवाजी स्टोरीज ऑफ रामा एंड कृष्णा और भीमा एंड अभिमन्यु। जीजाबाई जो है शिवाजी को लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा की कहानियाँ सुनाती थी, ऑफ भीमा एंड अभिमन्यु, और भीम और अभिमन्यु की भी कहानियाँ सुनाती थी। इन द अदर ओकेशन, और दूसरे समय कुछ टाइम में, शी वुड रिसीट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ। सो और दूसरे ओकेशन में कभी कभी वह नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ जी ने जो डिवोशनल सॉन्ग लिखे हैं, धार्मिक गीत लिखे हैं या गाय है, वह भी उन्हें सुनाती थी, शिवाजी को सुनाती थी। आल्सो जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी पियोस पर्सन एंड सेंट्स। और उसी के साथ जीजाबाई यूज टू टेल द स्टोरीज, स्टोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, मेनी पियोस पर्सन, मीन्स जो महान पुरुष है उनकी भी
कहानियाँ उन्हें सुनाती थी, एंड सेंट्स मीन्स संतों की कहानियाँ भी वह शिवाजी को सुनाती थी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड शाहजी राजे डिक्लेयर द चाइल्ड हेयर फ्रॉम द निज़ाम शाह फैमिली एज द न्यू निज़ाम शाह। शाहजी राजे ने जो चाइल्ड हेयर था, जो वंशज था एक बच्चा निज़ाम शाह के फैमिली का, उसको नया निज़ाम शाह क्यों घोषित किया? सो आवर आंसर इज बिकॉज फतेह खान वॉज ट्रीचियसली प्लानिंग टू अनेबल द मुगल टू सॉलो निज़ाम शाही। ये जो फतेह खान था निज़ाम शाह का वजीर, वह विश्वासघात करके किसके साथ हाथ मिला रहा था? मुगलों के साथ हाथ मिला रहा था, और निज़ाम शाही को खोखला बनाने की वह प्लानिंग कर रहा था। कौन? फतेह खान। इन रिटर्न द मोगल रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। सो उसके बदले में, इन द रिटर्न द मुगल रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। तो उसके बदले में मुगल उन्हें क्या देने वाले थे, फतेह खान को क्या देने वाले थे? जो क्षेत्र शाहजी राजे के कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल में है, वह प्रदेश मुगल जो है फतेह खान को देने वाले थे। शाहजी राजे वॉज एनरेज्ड एंड सो ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ मुगल्स। तो शाहजी राजे खफा हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, एंड ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ मुगल, और उन्होंने मुगलों की सर्विस छोड़ दी। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ मुगल्स एंड फतेह खान को क्या सिखाएंगे? सबक सिखाएंगे। इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्परर एंड वजीर फतेह खान। और मुगल एम्परर जो था शाहजहां, और उसको और फतेह खान को रोकने के लिए शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हेयर फ्रॉम द निज़ाम शाह फैमिली। और इसीलिए उनको रोकने के लिए शाहजी राजे ने जो चाइल्ड हेयर था फ्रॉम निज़ाम फैमिली, निज़ाम के फैमिली का जो वंशज था, जो बच्चा था, उसे ढूंढा, एंड ऑन द फोर्ट ऑफ पेमगिरी नियर जुन्नर, जुन्नर जो प्लेस है वहाँ पे, उसके पास जो पेमगिरी का किला है वहाँ पे डिक्लेयर हिम एज अ न्यू निज़ाम शाह। वहाँ पे उन्हें उस वंशज को निज़ाम शाह के क्या घोषित किया? नया निज़ाम शाह घोषित किया। इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन्स एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्यूरीज दैट ऑल्सो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।